वेब सीरीज एक नया रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे आपका ये जो प्रोजेक्ट है, किस तरह का प्रोजेक्ट है और जो किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा किरदार का नाम तो है पठान और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली एक थ्रिलर, एक नार्को चीफ प्ले कर रहा हूँ, तो बस उससे ज़्यादा भी क्योंकि एक थ्रिलर है ना, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट विल बी राइट ऑन माय पार्ट टू सेम हो। और जहाँ तक कि OTT का सवाल है, डेफिनेटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी। अभी इनफैक्ट इस साल में एक अजीब सा साल रहा है सबके लिए, ख़राब सा, बट पर्सनली वर्क फ्रंट पे मेरे लिए थोड़ा अच्छा ही रहा है। यू नो अजीब ही ढंग से, मतलब द ईयर स्टार्टेड विद अ फिल्म विद ऑपरेशन परिंदे विद संजय गढ़वी एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन Zee5 प्रीमियम। उसके बाद आई थी हमारी हुज योर डैडी ऑल्ट और इसके ऊपर Zee5 पे थी, वो भी कॉमेडी करने को मिल गई मुझे। यू नो करना चाहता था, वो मिल गया करने को, सीरीज थी। उसके बाद फिर अभी हाल ही में वो पॉइजन 2 रिलीज़ हुआ, वो एक थ्रिलर है, वो भी एक सीरीज है। अभी 11 दिसंबर को तोरबाज आ रही है नेटफ्लिक्स पे। तो यू नो काफ़ी कुछ मतलब करने को मिला, और ऑल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, बीट नेटफ्लिक्स, बीट Zee5, बीट से ऑल्ट, एंड दिस इज़ नाउ अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। तो अच्छा है। टाइम में फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पहला शो किया था ना, उसका नाम था द टेस्ट केस। तो टेस्ट केस उस वक्त ओल्ड बालाजी पर था, और क्योंकि मैं सिनेमा से हूँ तो उस वक्त पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स मतलब ये जो है सीरीज क्या होता क्या है। तो नागेश कुकनूर थे डायरेक्टर, और एक्चुअली एकता मैम वॉज अ बिग पार्ट इन इट क्योंकि ऑल्ट, और प्रोड्यूसर मेरे थे एंडेमोल। तो बहुत नया लगा था मुझे वो एक्सपीरियंस 2017-18 में ना, कभी ऐसा एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल ब्रांड न्यू था। और इतना तब आया नहीं था इधर इतना अवेयरनेस नहीं था, ये नहीं था कि मतलब रोज़ एक आध कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा कि करते हैं, वो नरेशन बहुत अच्छा था उनका, और दूसरा ये था कि आर्मी के ऊपर था, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर था, इंडियाज़ फर्स्ट पैरा मिलिट्री कमांडो यू नो एज अ वूमन। अभी इनफैक्ट Season 2 करने वाले हैं हम फेब में उसका। तो ये आपके सवाल से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वो भी एक शुरुआत ही लग रही थी। अभी वो ओल्ट और आज ओल्ट कहाँ पहुँच गया, तो ऐसे ही शुरुआत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है इंसान को, और फिर उस शुरुआत से धीरे 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 बूंदें बढ़ती रहती हैं, ग्लास बढ़ जाता है, कई बार नहीं भर पाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच सिंसेरिटी एंड द एफर्ट द प्लेटफॉर्म पुट्स इन इटसेल्फ। सर, नॉट ओनली वेब सीरीज, मतलब बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्मों में बहुत काम किया आपने और बहुत अच्छे रोल्स किए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि साउथ फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड में काफ़ी बन रहा है, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं कुछ नहीं है। रीमेक जो कल्चर है, खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो जो रीमेक कल्चर आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं? आई कॉन्ट सी, उसमें आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट बिकॉज सी मैं तो एक्टर हूँ, और एक कलाकार होते हुए मेरा तो काम यही है कि वो डायरेक्टर मुझे जो कहेगा वो मुझे करके डिलीवर करना है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। तो जहाँ तक कि यहाँ का सवाल है, तो ये हो जाता है कि पीपल डोंट वॉन्ट टू टेक दैट मेनी रिस्क। एक स्टोरी है, टेस्टेड ट्राइड स्टोरी है, वो डायरेक्टर अभी नहीं रहे, अजय साहब के साथ तब्बू जी के साथ वो फिल्म बनाई थी, वो थ्रिलर फिल्म थी ना, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ब्यूटीफुल फिल्म यार, निशिकांत कामत फिल्म जो मराठी में पहले यू नो निशिकांत कामत ने डायरेक्ट करी थी, मलयालम उसकी ओरिजिनल फिल्म है दृश्यम, तो अच्छी लगी थी। ओरिजिनल कहते हैं और बेटर थी या कम थी या जो भी है, सो कंपैरेटिव्स विल ऑलवेज बी देयर। देन कबीर सिंह, यू नो ओरिजिनल वन वॉज मेड इन तेलुगु, सो सक्सेसफुल, एंड सम पीपल समटाइम्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। सो वैसा ही है कि कोई इसलिए तो बनाता नहीं है प्रोजेक्ट की यार चलो एक खराब प्रोजेक्ट बनाते हैं, बनाता तो इसी इच्छा से है कि चलो अच्छा कुछ करते हैं। इनफैक्ट लॉरेंस साहब जिन्होंने अभी लक्ष्मी बॉम्ब बनाई, इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी हिट दी थी तेलुगु में, उसका नाम था मास, जो कि मेरी वन ऑफ द बेटर बिगर हिट्स हैं तेलुगु में। फिर प्रभु देवा जी जो इधर अभी काफ़ी काम करते हैं, उनके साथ मैंने फिल्म करी थी पौर्णमी तेलुगु में,
अभी कह रहे हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ मैंने करी थी अत्र टू, राजमौली साहब जिन्होंने कि एशिया की सबसे बड़ी हिट थी है वो पार्ट वन पार्ट टू बाहुबली, उन्होंने मुझे स्टेट अवार्ड दिलाया था तेलुगु में सिमाद्री के लिए। तो अच्छा ये लग रहा है कि यार इन डायरेक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं रस्ते और कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और अभी वो हिंदी में आ रहे हैं। सी आई टेल यू व्हाट, माय फादर वाज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर इन रियल लाइफ। कैन आई प्लीज जंप इन जस्ट आईजे योर। सो इसमें यही है कि जहाँ तक इसका सवाल है इस रोल का, क्योंकि मेरे ना डैड रियल लाइफ में एक डेकोरेटेड कॉप थे। इनफैक्ट एक 1971 का एक नागरवाला केस है जो अभी भी गूगल पे आप खोलोगे नागरवाला, इफ़ यू टाइप आउट विल गेट अ नेम दे मिस्टर हरिदेव ने, दैट वाज माय फादर, लास्ट ईयर ही पास्ट अवे। सो ही क्रैक द केस एंड दो गैलेंट्री अवार्ड्स लिए उन्होंने दो डिफरेंट प्रेजिडेंट्स से ऑन 26 जनवरी। सो एक ऑफिसर को घर से रोज़ जाते हुए पूरी लाइफ निकल गई देखते हुए, यू नो हम कोलंबस में होते थे, एक मेरे स्कूल का मुझे याद है एक बच्चा भी किडनैप हुआ था, इनफैक्ट शाहरुख साहब वॉज नाइस एनफ टू ट्वीट अबाउट इट ऑन हिज व्हेन ही पास्ड अवे, के वी ऑल यूज्ड टू बी इंस्पायर्ड हियरिंग हिज स्टोरीज इन स्कूल। सो ही वॉज दैट लाइक रियली लेजेंडरी माई डैड ना इन टर्म्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज। तो अभी इसमें मैं क्या समझाऊँगा, वो कोतवाली के ऊपर रहा हूँ मैं एक होस्टिंग में उनकी, मेरे ख्याल 6 साल रहे हैं हम स्टेशन में, जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी प्रेसिडेंट स्टेट के पीछे था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्लोजेस्ट सिक्योरिटी में थे और मेरी पैदाइश उस वक्त प्रेसिडेंट स्टेट पे ही हुई थी। तो मेरे ख्याल 4.5 साल वहाँ रहे थे डैड के साथ। फिर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन जो कि चाणक्यपुरी वन ऑफ द बेटर मतलब डिप्लोमेटिक एरिया माना जाता है दिल्ली में, वहाँ रहे थे डैड, वहाँ के हेड रहे थे 7-8 साल। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो कि जहाँ बोट क्लब, बोट क्लब जहाँ आप देखते हैं रैलीज वैलीज हो रही हैं वहाँ, आई थिंक डैड वॉज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। तो यू नो एक मतलब घर में माहौल ही एक मतलब समझ लीजिए कि 58 तक की रिटायरमेंट तक का सुबह से रोज़ जाना आना जाना आना। मुझे याद है इनफैक्ट जो दंगे हुए थे जिसमें 84 के सिख राइट्स हुए थे, जो उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने फादर को 17 दिन हुए अभी भी याद है घर पे देखा नहीं था, वो ज़माना था कर वाले फ़ोन्स का, तो मैं तो अभी स्कूल में था छोटा था, स्कूल में एहसास भी नहीं होता था कि हुआ क्या एक्चुअली, उसमें हम लोगों को लगता था छुट्टी है, इतना था नहीं, इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे, गूगल नहीं था, वो सब था नहीं, तो अवेयरनेस वॉज लेसर इन दोज डेज। तो यू नो सो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आई थिंक इट आंसर्स एवरीथिंग दैट यू नो लाइक इट्स जस्ट यू वॉचिंग एवरी डे समबडी। Like immediately now is 11th of December is Thorbaz, it's a Netflix original with Sanju Baba and my director is Girish Malik, so he's a terrific director. उन्होंने last film उनकी थी जल को awards मिले थे, जल हिंदुस्तान से Oscars भी गई थी, तो उस किस्म के director हैं, तो जाहिर है वो film अच्छी ही बनी है। Then उसके अलावा एक शो मैं कर रहा हूँ ऑल्ट पे, डॉक्टर्स का एक फर्स्ट शो है, आई कैन ब्रेक इट आउट नाउ बिकॉज दे ऑलरेडी ब्रोकन द न्यूज़ आउट, LSD इट्स कॉल्ड, सो इट्स लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स, सो इट्स अनदर पर्सपेक्टिव टू हाउ जो डॉक्टर्स को हम जानते हैं, एक और डॉक्टर्स का एक और साइड क्या होता है। देन वो आएगा नेक्स्ट ईयर, मुगल्स पे काम कर रहा हूँ निखिल अडवाणी जी के लिए, विच विल ऑल्सो भी नेक्स्ट ईयर, दैट्स ऑन अनदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दैट्स ऑन हॉटस्टार डिज्नी। तो ऑल अक्रॉस अभी मैंने बताया ना नेटफ्लिक्स हो गया, ऑल्ट हो गया, जी के तो अभी ये रात बाकी है, ऑन February 5th विल कम। इनफैक्ट वो डायरेक्टर इधर ही रहते हैं मड में, उनका नाम है अविनाश दास, 2-3 डेज वर्क लेफ्ट, बहुत अच्छी फिल्म है, बालीगंज एक प्ले था 1981 का शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट, तो उसके राइट्स लिए थे वो प्ले राइट से और NSD में वो कराया जाता था, और उस प्ले में एक कड़ी जोड़ के, उसी कहानी में एक कड़ी जोड़ के उनने ही जोड़ी है प्ले राइट ने, तो फिल्म का नाम है रात बाकी है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी।
फिफ्थ फेब को फर्स्ट प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है और वो जी फाइव पर आएगा। अविनाश दास अगर आपने जानते हैं तो इन्होंने एक नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल बनाया था शी के राइटर थे द लेजेंडरी अपना इम्तियाज़ अली जिन्होंने हमें रॉकस्टार जैसी फिल्में दी हैं, तो उन्होंने लिखा था इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो बहुत अच्छी मतलब एक वन नाइट का बहुत एक फास्ट रैपिड थ्रिलर है, एक हू डन इट है, कुछ होता है और फिर कैसे वो एक रात की कहानी में क्या होता है। तो मतलब काफ़ी कुछ नेक्स्ट ईयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर मी, दिस हैज़ बीन आल्सो वेरी ग्रेटफुल। सर मुझे ऐसा कुछ गुंडे वंडे का नहीं, देखिए मैं जो स्कूल में गया था ना वहाँ में बोला जाता था सात रस होते हैं। अब पेंटल साहब ने मेरे साथ क्लासेस ली हैं, अगर आप पेंटल साहब को जानते हो थोड़ा भी उनके बारे में, तो वो FTI में पढ़ाते हैं, असरानी साहब ने क्लासेस ली थी, मगर क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं था, हम लोग आए थे दिल्ली से, बड़ा हुआ कोलंबस से पढ़ा था, टेल्को के लिए काम किया 3 महीने, तो टॉप जॉब होता है वो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो घर पे तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था। सर मैं बताया ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे, तब एक शायद वो लोग चाहते थे कि शायद मैं IPS लिखूं, मुझे एक एंट्रेंस होता है, और मेरी रुचि उस साइड थी नहीं क्योंकि डैड का मैंने देखा बहुत हार्ड लाइफ थी, बहुत ज़्यादा मतलब 10:30 से पहले मैंने विदाउट संडे उन्हें कभी देखा नहीं, कभी एक कमी याद है मुझे, एक छुट्टी ली है उनके साथ मैंने, 4 दिन के लिए गए थे हम लोग बस। मतलब जो लोग पुलिस को गालियाँ देते हैं मैं उस घर से हूँ जो मैंने देखा है। उसके बाद डैड ने 23 ईयर्स वर्क भी किया था रिटायरमेंट के बाद, 81 तक काम किया था, अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए काम करते थे एज अ कंसल्टेंट ऑन सिक्योरिटी हेड थे, क्यों, क्योंकि काम करने की ज़रूरत थी, रेगुलर मिडिल क्लास हूँ, माई मदर वॉज ऑल्सो ऑन द टॉप, शी वॉज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता स्कूल के में, प्रिंसिपल के बाद बंद हो जाता है, PGT टीचर थी 11th 12th को जो पढ़ाते हैं। तो मतलब मैं उस घर से हूँ जब दोनों पेरेंट्स का यही दबाव था, वही जो जैसे अपर मिडिल क्लास में होता है यार पढ़ लोगे नहीं तो क्या होगा ऐसे वैसा, ग्रेट स्कूल कोलंबस मे बी द बेस्ट स्कूल इन दिल्ली एट दैट टाइम, मतलब लुक एट द पीपल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ, द एक्स गूगल हेड ऑफ द वर्ल्ड, वन पर्सन हु प्लेस्ड इन NASA, द चैप हु इन्वेंटेड क्लियर ट्रिप, दीप कालरा इज़ अ बेस्ट जूनियर टू मी, तो ऑल अक्रॉस मतलब इट्स गिवन किड्स इन ऑल अक्रॉस सोसाइटी, सो नेचुरली वो जो हमारे फैकल्टी थी कुछ कमाली की रही होगी, तो इंजीनियरिंग भी किया तो मतलब ऐसे ही नहीं कि अंगूठा छाप करके मतलब इंजीनियरिंग तो नहीं हो जाती ना। तो जो आपका सवाल है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ना आप सोचिए कि आप मीडिया से हैं, ऐसा कुछ गुंडा और हीरो करके कोई कलाकार आता नहीं है, जब आप कला के लिए तैयार करते हैं ना, जैसे हम लोगों को मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल सोचूंगा द लेट मुकुलानी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था, फिल्म का नाम था 10 42 दिन का एक आउटडोर किया था, इनफैक्ट संजू बाबा के साथ ही मेरी 5वीं फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी उन्हीं के साथ थी, तो अच्छा लगा था। इस तौर बाद में 2 आउटडोर के लिए हम लोग गए थे, किर्गिस्तान गए थे, तो उस वक्त तो यही होता है कि यार सात रस होते हैं ऐसा है वैसा ही है वो है। मगर उस टाइम पे सिनेमा बहुत रिग्रेसिव था 2000 में 2005 में 90s में, मेरे 2022 दिसंबर को डेब्यू हुआ था, 20वां साल है मेरा इंडस्ट्री में, तो रिग्रेसिव इस तरह था कि वो एक वो राम रावण ना बिल्कुल अलग अलग होते थे, एक कहानी में एक ये बुरा है एक ये अच्छा है, क्लियर होता था। अभी ऐसा रहा नहीं भाई, मैंने वो देखी है लूडो, ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स गॉट ऑनसॉम कास्ट, एवरीबडी इज़ प्लेइंग कैरेक्टर्स, मतलब हीरोज़ हैं कहने को मगर एवरी वन हैज़ अ कैरेक्टर ओनली, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ये फिल्म इसकी है उसकी है, वो एक ऑनसॉम की है फिल्म, क्योंकि कहानियाँ बेटर हो गई हैं, और वो श्रेय एक्चुअली किसी को भी नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है ऑडियंसिस को, क्योंकि तब ऑडियंसिस को वो पसंद आता था तो वो चल जाता था, एक सीधा पिक्चर ली फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर दी, कई बार लोग कहते थे इंस्पायर और सीधी फिल्म बना देते थे, ऑडियंसेस इनोसेंट होती थी और ऑडियंसेस को अच्छा लगता था कि भाई एक बुरा एक अच्छा एक गुड ओवर ईवल स्टोरी वही होती है, और कैसे वो बोलेंगे आप स्टोरी वही इंटरेस्टिंग लगता है। और राहुल जी जैसे कि सबसे बड़ी अंदाजा की जो लड़ाई चल रही है अभी दिल्ली, उसके बारे में दो स्टार आपसे भिड़ गए हैं कंगना और दलजीत की बात पर क्या कहना चाहेंगे?
यार एक बड़ा की बात को माना जाता है और उसको लोग मानते हैं कि उन्होंने बोला कुछ सही नहीं होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यार ये ना बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल से क्वेश्चन है और ये ना मैं फंस जाऊंगा एक और नए विवाद में, तो इसे मैं अवॉइड कर देता हूँ। बट किसानों का मैं इतना कहूँगा कि खाली किसानों को लेके कि यार क्या गलत कह रहा है वो आदमी, गलत कह रहा है क्या? अभी सोचो ये किसी की रोज़ी रोटी है और क्या रोज़ी रोटी है कि वो ऐसा काम कह रहा है जिसमें सबको खाना मिलेगा, वो गलत है क्या? तो मैं ये मतलब मैं ये सब मैं विवाद को छोड़ देता हूँ, मैं खाली ये देखता हूँ कि वॉट इज़ द पर्सन वॉन्टिंग एंड वॉट इज़ द पर्सन डूइंग। चलो यार मैं तो एक एंटरटेन करने वाला हूँ, चलो लॉकडाउन हो गया, बहुत लोगों ने मतलब नॉन स्टॉप देखा होगा वो चैनल, यही होगा, मगर मैं ऐसा कोई नहीं है कि लाइफ नहीं दे रहा हूँ मैं किसी को, डॉक्टर नहीं हूँ मैं या किसी को खाना नहीं दे रहा हूँ मैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये लोग तो नोबल प्रोफेशन हैं यार, तो ये यहाँ तो पता नहीं फार्मिंग को क्यों ऐसा, बाहर फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया जाता है और अभी आप देखेंगे आप आने वाले सालों में ना द बेसिक प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सेम, ए व्हाट यू ब्रीथ, व्हाट यू ड्रिंक वाटर एंड व्हाट यू ईट फूड, दैट्स द थ्री इशूज, यू नो रोटी कपड़ा और मकान। एक बहुत पहले मनोज कुमार जी की फिल्म थी, अभी कपड़ा भी खाने से ही आता है, अभी कॉटन उगाओगे तो फिर कॉटन बनेगी तो फिर उसका कपड़ा बनेगा, सिल्क अगर वो हमारे जो वीवर्स हैं वो करेंगे नेचुरल सिल्क तो सिल्क बनेगी, या जैसे जैसे मतलब खादी अगर कोई क्रिएट करेगा तो खादी बनेगी, उससे फिर कुछ बनेगा। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू व्हाट यू ग्रो फर्स्ट एंड फॉर ग्रोइंग यू नीड एयर एंड यू नीड वाटर एंड द राइट मेन्यू। राहुल जी जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली थी उस दौरान लॉकडाउन के बीच हर कोई कहीं ना कहीं अपने घर में कैसे हो रहे थे, उस दौरान राहुल जी क्या आपकी क्या थिंकिंग थी, आप किस तरह से उस समय आपने क्या कुछ नया आपने? मेरे ना हीरो रहे हैं मेरे पिता, उनको मैंने कभी घर में देखा नहीं लॉकडाउन, और मैं 24 जून से काम कर रहा हूँ जो कि मुझे हार्ट ऑफ लॉकडाउन, पहला आउटडोर मेरा था पंजाब, 11 दिन के लिए गए थे हम, अमेजोन का कुछ कर रहे थे हम लोग, अभी आया नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगा। फिर उसके बाद पाँच जुलाई को मुझे इंजर हुआ था राइट शोल्डर, अभी भी इंजर्ड ही है, यहाँ पे आई हूँ सेट पे काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, मुगल्स में तलवार भी चलाई है ऐसे ही कंधे के साथ। तो मेरा ये मानना यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोरोना छोटी चीज़ है, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स ए बिग चेंज इन द वर्ल्ड, इट्स प्रॉब्ली इन माय लाइफ आई हैव नेवर सीन अ चेंज बिगर देन दिस। लाइक व्हेन यू गेट माय मदर्स लाइफ, वो 47 में लाहौर से आई थी इधर जब इंडिया पाकिस्तान, तो उन्होंने वो एक जेनोसाइड देखा था, तो उनकी लाइफ में शायद वो सबसे बड़ा चेंज आज भी वो मानती हैं, क्योंकि ना घर छोड़ा आदमी ने, एक देखा ट्रेन में आ रही है, वो ट्रेन वैसी फिल्म वाली ट्रेन नहीं है जिसमें डेड बॉडीज हैं, वो रियल ट्रेन है, तो एक 8 या 7 साल की बच्ची को कैसा लगा होगा, उसके पिता भी हैं, 2 बच्चियाँ और हैं, उनकी सिस्टर्स, उनकी माता हैं, कैसी एक इनसिक्योरिटी भावना होगी, फिर कैसे एक नया शुरुआत हुआ होगा दिल्ली में। तो इट्स ए ह्यूज चेंज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एक इंसान आप कहीं पर भी देखोगे ना, एवोल्यूशन ऑफ मैन में भी देखोगे या कहीं पर भी, मैं स्कूल भी सोचता हूँ टीचर्स के बारे में, तो मैन ऑलवेज केप्ट ऑन इवॉल्विंग वॉट एवर बी द सिचुएशन, यू नो इंसान की फितरत ही है कि इंसान वो जो भी आता है ना, सुनामी हुआ फिर एक नई शुरुआत, ये हुआ तो एक नई शुरुआत, वो इंसान की फितरत ये है कि सर्वाइव करता जाता है, करता रहता है, करता रहता है, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, तो इसका भी यही होगा कभी ना कभी इसका निकलेगा मूल अर्थ, एक कुछ निकल आएगा, एक कमाल का कोई होगा इंसान वर्ल्ड का, एक ग्रुप होगा जो कहेगा दिस इज़ द आविष्कार, ये लगा लीजिए और अब ठीक हो जाएंगे, नो कोरोना इन द वर्ल्ड, और फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। अभी कॉलरा में कितने लोग जाते थे पहले, स्मॉल बॉक्स में द ग्रेट राणा अपना महाराज रंजीत सिंह जी, वन आई वॉज मिसिंग ना, उनका काणे थे एक तरफ से और निशान थे उनके पास स्मॉल बॉक्स के, तब स्मॉल बॉक्स से लोग मर जाया करते थे बहुत सारे। तो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ एक ऐसा आता है, अभी हमारे टाइम पे हम कोरोना देख रहे हैं, कल को भगवान ना करें शायद कुछ और देखने को मिले, बट मेन थिंग फॉर मी इज़ टू कीप ऑन वर्किंग एंड विद इन दैट थिंग आई थिंक दिस is to be remembered, I think some kind of distancing is to be remembered within a practical zone. अभी मैं तो सेट पे जाऊंगा तो उसमें मैं बता रहा हूँ ना, 24 जून से ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक्शन भी किया उसमें, 8-8 फाइटरों के साथ सीक्वेंसेस भी किए हैं, तो अब ये तो करना मुश्किल होता है कि तुम कहाँ से घर से आ रहे हो, तुम किधर से आ रहे हो, उधर से कौन आ रहा है, कठिन है। तो आई थिंक काम करते जाइए और फिर देखते हैं क्या होता है।
Very well. Thank you.